ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखिएगा, ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मेरा रिएक्शन देखना, वो मेरा बहुत ही रियल रिएक्शन है। और जो लोग कहते हैं कि ये फेक आई फोन है सो देख लो। क्या कहना चाहोगे? अरे यार रख। सो गाइस फाइनली हम लोगों के 1 मिलियन कंप्लीट हुए, और ये 1 मिलियन कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा, मतलब बहुत स्ट्रगल भी किया। टिकटॉक में थे करीब 2 साल, 9,11,000 फॉलोअर्स और टिकटॉक बैन, तो उस वक्त बुरा तो लगा था बट उतना अफसोस नहीं हुआ था क्योंकि उतना मैंने माइंड नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे जब इंस्टा में वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, एक वीडियो वायरल हुई 25,000 फॉलोअर्स हुए, फिर धीरे 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 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और आज फाइनली 10 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसका सारा क्रेडिट इससे जाता है, ये हम लोग वायरल हुए और यहाँ तक पहुँच गए। तो अभी मैं इसको बयान नहीं कर सकता, ये खुशी। हाँ सब पाते हैं मेहनत करके कुछ ना कुछ। हाँ मुझे लगता है कि मेरा कुछ लक अच्छा है इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और आकाश जिसने मुझे सरप्राइज़ दिया मेरे 1 मिलियन होने पर, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कह रहा था कि ये तेरा 1 मिलियन हुआ है तो मैंने एक केक ऑर्डर किया है और आ जा जल्दी से, और वो लेने आया है, देने आया है, मतलब केक आ जा, तो बाहर ही खड़ा है वो डिलीवरी वाला। मैं बाहर चेक करने गया था, कोई नहीं था, तो मैंने कहा भाई यार कोई नहीं है, तो कहता अरे भाई वो गाली दे रहा है और मुझे बहुत भला बुरा कह रहा है। मैं कह रहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बस इसके आगे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अरे भाई रुक तो रुक। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो अनएक्सपेक्टेड था उसे देखना, वो मेरे लिए सरप्राइज़ था और मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। तो हाँ उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आकाश। और तो साले तो है कुत्ता तो है, लेकिन तो है बहुत बड़ा वाला कुत्ता है, तो थैंक यू सो मच। सो हे गाइस हम लोग जा रहे हैं कुलदीप के 1 मिलियन के, और आप लोगों को लग रहा होगा हम उसके ब्लॉग पे क्या कर रहे हैं। सो हम लोग उसको सरप्राइज देने जा रहे हैं। हम लोग रहते हैं दिल्ली में और वो रहता है यूपी में, हमारे यहाँ से अभी 600 किलोमीटर दूर है, 8 घंटे का रास्ता, 8 घंटे का रास्ता, और हम अभी आगरा एक्सप्रेस वे पे है। बट हाँ जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? अरे यार रख। क्या कहना चाहोगे भाई? दो भैया मिल गए, और व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, ये लिंक डायरेक्ट करूं मैं। सही रिएक्शन नॉट हो गया भाई, मतलब ये देख रहा था गाड़ी की तरफ, तो देख रहा था ये गाड़ी की तरफ ना हमको बीच में, मतलब शक हुआ थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल शक नहीं हुआ। मैं वहां जाने वाला था, वहां पर पार्टी वार्टी चल रही है मैनेजिंग सेंटर के अंदर। सो गाइस हमने इसको सरप्राइज दिया है आज। कैसा लगा? कैसा लगा? मूड खराब है यार। तो आना तो टाइम वाला सरप्राइज देने का, थोड़ा कुछ कर भी नहीं सकते यार। स्टार्ट ये बोलती है ये मोटा कौन है पहले ऑडियंस को बता दो। आकाश चावंत है, खा खा के मोटा हो गया, हाथी हो गया, मतलब फट जाएगा किसी दिन, इतना ज्यादा खाता है। मीट चिकन एवरीथिंग, ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी है। मैं एडिट करने वाला हूँ, तू कर, तुझे भी कर दे एडिट। ये सिर्फ एडिट नहीं होगा, नहीं कटेगा ये रहेगा मोटे। सो गाइस 1 मिलियन की पार्टी होने वाली है, और ये है हमारे आकाश भैया जी, ये दिल्ली से आए हैं सरप्राइज देने। नकली कवर देखो।
ये नकली खबर दिखा दूं। अरे अर्जुन हमारा दोस्त है, तो ये इधर केक रखे हुए हैं। बहुत सॉफ्ट केक है बेचारे, इस केक से किसी ने पूछा ही नहीं कि तू कैसा है। ये बेचारा शर्म से पहले पी चुका है। कट कर यार, किसी नई बेकरी से हम लोग जी एंड जी कौन कौन खाएगा? नहीं जी खाना ज्यादा पसंद है। अंडा तो नहीं है इसमें। नहीं एग्लेस एग्लेस मिलता है, अंडा वाला मिलता है? नहीं पता, एग है कि नहीं। खा के दे दो, बोल क्या रही है? खा लो, 1 मिलियन की ख्वाहिश। क्या रहा ख्वाहिश में हो चुके हैं फिर भी जाना जा 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 और जो लोग कहते हैं कि ये फेक आईफोन है सो देख लो, आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि मतलब कैसे वो रिफ्लेक्शन आता है। आ रहा कि नहीं? अभी नहीं आ रहा। टी शर्ट का आएगा ना? आया आया मेरे में आया, देखना ये देख, आर पर दिख रहा है, दिख रहा है ना ब्लैक। अभी फोन में दिखेगा क्या? ये हो गया सिल्वर। ये देखो दिख रहा है। ये मेरा होता है टी शर्ट दिख रही है। अभी ये तेरा फोन का आएगा, ये देख, ये देखो मेरा आईफोन आ रहा है, मेरी टी शर्ट आ रही है, आईफोन नहीं आ रहा। हाथ है ये वाली टी शर्ट इतना दूर से। अब रिफ्लेक्शन ही तो है। क्या कहना चाहोगे फिर ऑडियंस को? ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखिएगा, ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मेरा रिएक्शन देखना, वो तो मेरा बहुत ही रियल रिएक्शन है। इसको देख के बंदे को देख के लाइफ तो मेरा लकी बन गया। ये नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। नहीं कुछ है इसमें, लाइक करो, फॉलो करो, दिन बाय बाय, हैव अ नाइस जर्नी और आराम से जाइयो। रात के 1 बज रहे हैं दिल्ली में, पहुँचते पहुँचते कितना बज जाएगा? हमें सुबह 11:12 आराम से पहुँचियो, सोना मत रास्ते में। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।